उधम साहब ऑर्गेनाइजेशन लोग का भी डिमांड था पहले से ईटानगर में कि एक ट्रकर्स का ऊपर में भी एक सस्पेक्ट कर रहे थे कुछ लोग कि हो सकता है कि ट्रकर्स भी रिस्पॉन्सिबल होता होगा, जो बाहर से रिटर्न ही आते हैं उसको वो भी रिस्पॉन्सिबल होता होगा, ऐसे एक सस्पेक्ट है आदमी लोगों का मन में। हम लोग ये जानना चाहते हैं, अभी बंदरगाह चेक गेट में भी आप खड़ा है, तो आप यहाँ एग्जैक्टली क्या इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ट्रकर्स लोग का जो टेस्ट वगैरह होगा और मैनेजमेंट किस तरफ से कर रहे हैं आप? सबसे पहले ट्रकर का ऊपर में जो भी सस्पेक्ट है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। कारण ये है कि जो भी ट्रकर्स चेक पोस्ट से आता है उससे डाटा एंट्री किया जाता है। डाटा एंट्री करने का बाद हर सेक्टर में हर गली में हमारा जो हाईवे ट्रैफिक वार्डन लोग होता है डे एंड नाइट उन लोग का इंस्पेक्शन करता है, विजिट करता है और जो भी गाड़ी वहाँ अनलोड नहीं कर पाता है उसको टर्मिनल में रखा जाता है। और कोई भी हालत में ट्रकर्स से ये बीमार फैलने का बेबुनियाद है। और मैंने भी फेसबुक में थोड़ा देखा कि वो ट्रकर्स को लेके जो हमारा एक कोविड पेशेंट जो एक्सपायर कर गया उसको लेके फेसबुक में भी मैंने देखा है और हमने भी चेक किया उनका नाम कहीं कोई ट्रक का साथ एंट्री हुआ है कि नहीं। मार्च महीना से लेके अभी तक जिस दिन वो एक्सपायर हुआ हम लोगों ने चेक किया उसका नाम ना एंट्री में है ना एग्जिट में है, क्योंकि हमारा जब एंट्री करता है वो ड्राइवर का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसका आई कार्ड होता है उसको एंट्री किया जाता है, उसका साथ साथ हैंडीमैन का भी एंट्री किया जाता है। तो इसलिए कोई भी जगह में हमारा जो मैनेजमेंट में छूट हो गया ऐसे नहीं हो सकता है। दूसरा है अभी फिलहाल जो है जैसे होलोंगी चेक पोस्ट में जो एंट्री होता था उसको सरकार ने बोला है कि बंदरद्वार चेक पोस्ट से एंट्री करना है गुड्स जो एसेंशियल गुड्स के लिए जो ट्रकर्स आता है और जो भी व्हीकल आता है, तो उसके लिए मैं आज दो दिन से यहाँ आया हूँ। और ऑर्डर में क्लियरली लिखा है कि इनका जो ट्रकर्स है ड्राइवर है हिंदी में जो भी आता है उनको टेस्ट किया जाए, एंटीजन टेस्ट किया जाए। तो मैंने उसी दिन ही डीसी को हमने लिखा, डीएमओ को भी लिखा, बात भी किया। तो आज डीएमओ ने कुछ इसका प्रबंध करने का बात बताया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर बिना टेस्ट का उसको एंट्री नहीं करने देना है। तो इसका प्रबंध यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ मेडिकल का साइड से या डीसी ऑफिस का साइड से मैं यहाँ चेक करने आया हूँ। और मेरा जो स्टाफ है अभी आज यहाँ होलोंगी से यहाँ शिफ्ट करके तो यहाँ जितना भी ट्रक्स है यहाँ का जो एंट्री को करना है। लेकिन हमारा जो ईटानगर और नाहरलगुन में जितने भी उसका फॉलो अप करना है ट्रैकिंग करना है वो कंटिन्यू जारी है। वहाँ पे जो भी गाड़ी आता है अनलोड कराता है, रात को भी अनलोड कराता है, रात होने से भी दिन होने से भी उसको हमको जैसे ही वहाँ अनलोड होता है उसको वहाँ से हम यहाँ से वापस भेज देते हैं और इसमें कोई छूट होने का चांस नहीं है। सर आपने क्या देखा एंटीजन टेस्ट बिना करवाए हुए तो अभी घुसने के लिए शायद मना हो जाएगा? जरूर, यह तो बिल्कुल ही अच्छा कदम है जो पहले भी काफ़ी लोगों ने इसका सजेशन दिया था। तो अभी सरकार ने डिसीजन ले लिया कि बिना टेस्ट का अंदर नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वहाँ पे जब जाता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्रकर्स लुक है वो जब अनलोड करता है वो आसपास में वो लोग इधर उधर थोड़ा मोड़ा घूमता है कुछ समय के लिए पिशअप करने के लिए या कुछ खाने के लिए इधर उधर हो जाता है। वहाँ में जो चीज़ हमने देखा है ये जो टेस्ट होता है नेगेटिव होता है तो हमारा जो 100% फुल प्रूफ हमारा जो ये स्प्रेड नहीं होने का चांस हो गया। तो इसलिए ये सराहना है और हम तो यहाँ इसलिए आया है कि डॉक्टर लोग का मैनेजमेंट क्या है, अरेंजमेंट क्या है। और मेरा अपना मैनेजमेंट तो टाउन का अंदर में अभी है तो गेट का जो है एंट्री है अभी हम यहाँ हमारा अपना ऑफिस इस्टेब्लिश कर रहा है जहाँ पे स्टाफ लोग रहेगा और उसका जो एंट्री का जो डाटा एंट्री करना और उनका जो यहाँ मैनेजमेंट करना हो जाएगा।